खाने से कितना रेयर है, इसका जो है आज के जमाने में टोटली अलग है, इसको कैसे आप लेते हो? ये उर्वशी से भी आप आगे बढ़ते हो, उर्वशी में जो कैरेक्टर रोल किया है, आई थिंक मॉडर्न जमाने से बहुत कुछ मिलता है, तो इसको आप कैसे सोचते हो? मतलब आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं कि कहना क्या कैसे है। जैसे हम जब सब ओपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तभी मैंने यही कहा था कि गहना ये प्रथा पुरानी है, गौना रिवाज पुराना है, पर हम तो आज के दौर में ही चल रहे हैं, आज के ज़माने में चल रहे हैं। बिल्कुल ये लड़की है ओल्ड स्कूल लवर, ओल्ड स्कूल सिस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करती है, लेकिन आज के ज़माने में वो उस चीज़ों को मोल्ड करके चलने वाली लड़की है। तो यही इसकी कहानी है, यही इसकी जर्नी है। रियल लाइफ में कितने ऐसे उर्वशी आती है? हमारी रियल लाइफ में ऐसी पता नहीं, नो कमेंट। उर्वशी जी आपका जो मुझे सवाल ऐसा है कि जो अभी ये चलते आ रही है सालों साल, और एट द पर्टिकुलर एज, अभी जो एज होता है जैसे आपने बताया, उस एज में जो शादी हुई है वो फॉलो नहीं करते, कोई आपके जैसे उनके लाइफ में, मतलब आजकल के जो यंग जनरेशन है वो ये सब नहीं फॉलो करते, फॉलो करते जो हुआ तो भूल जाओ। हाँ। और अभी उसको फॉलो, उसके बारे में क्या? आजकल की जनरेशन मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, और काफ़ी लोग हैं जो आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आप ये बोलते हैं कि कैसा लगता है उसका जो शादी हुई है उसका क्या होगा? अच्छा, जिनकी शादी हो चुकी है और आप जैसे लाइफ पे उनके आ जाते हैं, तो उनको कितना, उनपे क्या असर पड़ता होगा? ये हमारी लाइफ में आई नहीं है। देखिए बात ये है कि जैसे कहना है उनकी शादी हो गई है बचपन में, वो एक होप से, एक उम्मीद से, प्यार से वो वेट कर रही है किसी को, मगर जब ऐसे पत्थर आ जाते हैं वो बेसिकली शो उसी के ऊपर है ना कि वो कैसे उन पत्थरों के ऊपर से जा के, अब वो एक पत्थर है या मल्टीपल वो नहीं पत्थर। और दूसरी बात ये शो ऐसा है नहीं कि ये दूसरी है या इस तरह का शो में कॉन्सेप्ट है नहीं, इनका अपना कैरेक्टर है, और जासर गौरव जब इनसे मिलता है इनका इनकी अपनी कैरेक्टर की अलग जर्नी है, तो वो ऐसा नहीं है कि गौरव और गहना के बीच में आती है। अगर देखा जाए तो गौरव और गहना के बीच में गौरव की महत्वाकांक्षाएँ आती हैं, गौरव के सपने आते हैं जो ये पूरा कर सकती है। हाँ। तो इसीलिए कि वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे। हाँ। तो इनकी तरफ से, उर्वशी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि तुम गहना के साथ नहीं रह सकते। हाँ। एक बिजनेस जो होता है, शो बिजनेस, जिस बिजनेस से वो बिलोंग करते हैं, उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, जो कि उर्वशी बहुत ही प्रोफेशनल है और उस वो डिमांड्स सब बीच में आती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा करती है या जानबूझ के गौरव और गहना को अलग नहीं करना चाहती, इनफैक्ट इनके सामने तो ये बात आ ही नहीं पाती है, ये दोनों ये उनकी दोस्त है, उनको दोस्त मानते हैं और मुझे एक सीढ़ी ऊपर जाने, आप छोटा सा इंटरव्यू, बल्कि ये तो पास में लेकर आती है गौरव और गहना को, ये लोग ये तो जोड़ती है। मैं आपको बोल रही हूँ, थैंक यू।